बाद की नार की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, जिसके पास से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। हैदराबाद थाना नार की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से देसी तमंचा, कारतूस, चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। अभियुक्त के खिलाफ 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर में होमगार्ड को गोली मारने के मामले में भी चल रहा था वांछित, आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गुड वर्क है जनपद फिरोजाबाद के थाना नारखी पुलिस के द्वारा। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये रफ़ीक नाम का एक 25,000 रुपये का इनामी अपराधी है, जिसके ऊपर बुलंदशहर जनपद से 25,000 रुपये का इनाम हुआ था। और अपराधियों की रोकथाम और चेकिंग के दौरान इस अभियुक्त की गिरफ्तारी जनपद फिरोजाबाद में की गई है। ये यहीं का निवासी है और काफ़ी समय से इसको लोग ट्रेस कर रहे थे, और इसके ऊपर करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से जो घटना इसने बुलंदशहर में की थी उसमें जानकारी मिली कि एक होमगार्ड को इसने गोली मारी थी, जिसके बाद जो है ये फरार चल रहा था। तो ये एक महत्वपूर्ण सफलता थाना नारकी पुलिस के द्वारा की गई है, और अपराधियों के ऊपर कार्रवाई और उनको जो हम लोग सत्यापन काम कर रहे हैं, ये उसमें एक अच्छा परिणाम है, और ये कार्रवाई हम लोगों की लगातार इस प्रकार से जारी रहेगी। ये पुरस्कार इस व्यक्ति के ऊपर पिछले वर्ष 9वें महीने में हुआ था, नहीं जुलाई में हुआ था, जुलाई में तो इसके ऊपर अवार्ड हुआ था, और तब से इसको लोग ढूंढ रहे हैं। जुलाई 2020 का इसका रिवॉर्ड है। कुछ बरामद भी हुआ है इसके पास से, इसके पास ये तमंचा बरामद हुआ है और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है।